परमेश्वर के दैनिक वचन। यदि तुम व्यवस्था के युग के कार्य को देखना चाहते हो और ये देखना चाहते हो कि इज़राइली किस प्रकार यहोवा के मार्ग का अनुसरण करते थे, तो तुम्हें पुराना विधान पढ़ना चाहिए। यदि तुम अनुग्रह के युग के कार्य को समझना चाहते हो, तो तुम्हें नया विधान पढ़ना चाहिए। पर तुम अंतिम दिनों के कार्य को किस प्रकार देखते हो? तुम्हें आज के परमेश्वर की अगुवाई स्वीकार करनी चाहिए और आज के कार्य में प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि ये नया कार्य है और किसी ने पूर्व में इसे बाइबल में दर्ज नहीं किया है। आज परमेश्वर देहधारी हो चुका है और उसने चीन में अन्य चयनित लोगों को छांट लिया है। परमेश्वर इन लोगों में कार्य करता है। वो पृथ्वी पर अपना काम जारी रख रहा है और अनुग्रह के युग के कार्य से आगे जारी रख रहा है। आज का कार्य वो मार्ग है जिस पर मनुष्य कभी नहीं चला और ऐसा तरीका है जिसे किसी ने कभी नहीं देखा। ये वो कार्य है जिसे पहले कभी नहीं किया गया। ये पृथ्वी पर परमेश्वर का नवीनतम कार्य है। इस प्रकार जो कार्य पहले कभी नहीं किया गया वो इतिहास नहीं है, क्योंकि अभी तो अभी है और वो अभी अतीत नहीं बना है। लोग नहीं जानते कि परमेश्वर ने पृथ्वी पर और इज़राइल के बाहर पहले से बड़ा और नया काम किया है, जो पहले ही इज़राइल के दायरे के बाहर और नबियों के पूर्व कथनों के पार जा चुका है। वो भविष्यवाणियों के बाहर नया और अद्भुत और इज़राइल के परे नवीनतर कार्य है, और ऐसा कार्य जिसे लोग न तो समझ सकते हैं और न ही उसकी कल्पना कर सकते हैं। बाइबल ऐसे कार्य के सुस्पष्ट अभिलेखों को कैसे समाविष्ट कर सकती है? कौन आज के कार्य के प्रत्येक अंश को बिना किसी चूक के अग्रिम रूप से दर्ज कर सकता है? कौन इस अति पराक्रमी, अति बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य को, जो परंपरा के विरुद्ध जाता है, इस पुरानी घिसी पिटी पुस्तक में दर्ज कर सकता है? आज का कार्य इतिहास नहीं है, और इसलिए यदि तुम आज के नए पथ पर चलना चाहते हो, तो तुम्हें बाइबल से विदा लेनी चाहिए। तुम्हें बाइबल की भविष्यवाणियों या इतिहास की पुस्तकों के परे जाना चाहिए। केवल तभी तुम नए मार्ग पर उचित तरीके से चल पाओगे, और केवल तभी तुम एक नए राज्य और नए कार्य में प्रवेश कर पाओगे। तुम्हें ये समझना चाहिए कि आज तुमसे बाइबल न पढ़ने के लिए क्यों कहा जा रहा है? क्यों एक अन्य कार्य है जो बाइबल से अलग है? क्यों परमेश्वर बाइबल में कोई अधिक नवीन
और अधिक विस्तृत अभ्यास नहीं देखता। इसके बजाय बाइबल के बाहर अधिक पराक्रमी कार्य क्यों है? यही सब है जो तुम लोगों को समझना चाहिए। तुम्हें पुराने और नए कार्य के बीच का अंतर जानना चाहिए। और भले ही तुम बाइबल को न पढ़ते हो, फिर भी तुम्हें उसकी आलोचना करने में सक्षम होना चाहिए। यदि नहीं, तो तुम अभी भी बाइबल की आराधना करोगे और तुम्हारे लिए नए कार्य में प्रवेश करना और नए परिवर्तनों से गुजरना कठिन होगा। जब एक उच्चतर मार्ग मौजूद है, तो फिर निम्न पुराने मार्ग का अध्ययन क्यों करते हो? जब यहां अधिक नवीन कथन और अधिक नया कार्य उपलब्ध है, तो पुराने ऐतिहासिक अभिलेखों के मध्य क्यों जीते हो? नए कथन तुम्हारा भरण पोषण कर सकते हैं, जिससे साबित होता है कि ये नया कार्य है। पुराने अभिलेख तुम्हें तृप्त नहीं कर सकते या तुम्हारी वर्तमान आवश्यकताएं पूरी नहीं कर सकते, जिससे साबित होता है कि वे इतिहास हैं और यहां का और अभी का कार्य नहीं है। उच्चतम मार्ग ही नवीनतम कार्य है और नए कार्य के साथ भले ही अतीत का मार्ग कितना भी ऊंचा हो, वो अभी भी लोगों के चिंतनों का इतिहास है। और भले ही संदर्भ के रूप में उसका कितना भी महत्व हो, वो फिर भी एक पुराना मार्ग है। भले ही वो पवित्र पुस्तक में दर्ज किया गया हो, फिर भी पुराना मार्ग इतिहास है। भले ही पवित्र पुस्तक में नए मार्ग का कोई अभिलेख ना हो, फिर भी नया मार्ग यहां का और अभी का है। ये मार्ग तुम्हें बचा सकता है और ये मार्ग तुम्हें बदल सकता है, क्योंकि ये पवित्र आत्मा का कार्य है।